एक मर्तबा एक सैयद साहब को रखा अपने घर काम पर, मालूम नहीं था, मालूम नहीं कि ये सैयद साहब है, काम पे रख लिया। वो काम करते रहे, आते जाते रहे, एक दिन पता चल गया कि ये सैयद साहब है, तो घर वालों से कह दिया इनसे काम नहीं लेना, बस ये आए जाएं बैठे रहें, काम इनसे नहीं लेना, और जितनी तनख्वाह इनकी तय की गई है बतौर नजराना हर महीना इनको दे देना। एक मर्तबा गली से एक सैयद साहब गुजर रहे थे, गुजरते हुए उन्होंने ये कह दिया, है कोई सैयद को भीख देने वाला? बिजली गिर गई, है कोई सैयद को? बिजली गिर गई। आप उस दिन आपके यहाँ पर जब वो आपके छोटे भाई ने आपके हिस्से के पैसे लाके दिए थे, पूरा कटोरा लेकर के गए और कटोरा ले जाकर के उनके सामने कर दिया। उनका एक खास वस्फ था कि जब वो सैयदों को कोई चीज देते थे तो यूं करके नहीं देते थे, बल्कि वो जो चीज देते थे तो यूं करके देते और कहते थे कि गुलामों के हाथ आकाओं से ऊपर नहीं होने चाहिए। ऊना वालों, यहां मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ, बड़ी चुभती हुई बात, बुरा लगे तो माफ करना, वल्लाह तल्ला बिल्ला कोई जाति मफाद के लिए नहीं कहता। कभी कभी सादात की फजीलत बयान करते मुझे डर लगता है कि लोग ये ना कह दें कि ये लोग अपने लिए लाइन क्लियर करते हैं। वल्लाह अल्लाह की कसम ऐसी कोई बात नहीं, आपके भले के लिए कहता हूँ। आज हमारी कौम का ये हाल हो गया, सैयद साहब अगर पीर है तो एहतराम करते, मुकर्रर है तो एहतराम करते, लेकिन अगर सब्जी बेचने वाला है तो एहतराम नहीं करते। अगर उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है तो उसके बारे में कमेंट पास करते, उन्होंने दाढ़ी नहीं रखी है उनका अमल है। आपका हक नहीं है कि आप उस पर कमेंट करें, इसलिए कि हम निस्बत का एहतराम करते हैं और निस्बत कभी फासिक नहीं होती, खून रसूल कभी फासिक नहीं होता। अपनी आखिरत खराब नहीं करना, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कोई काबे और मकाम इब्राहिम के दरमियान नमाज की हालत में मरे और उसके दिल में मेरी आल का बुग्ज हो तो भी वो जन्नत में नहीं जाएगा। अपनी आखिरत तबाह मत करो, लोगों की तरह मत बनो, मरवानी मत बनो, मरवानी मत बनो, मत बनो, ये फिक्र निकाल दो, खर्जियत दिल से निकाल दो, क्योंकि जब तक तुम आले नबी के वफादार रहोगे दुनिया तुम्हारे कदमों में रहेगी। इज्जत चाहते हो तो उनकी इज्जत करो जिनको खुदा ने इज्जतें दी है, जिस जब तक इनकी गुलामी करोगे दुनिया तुम्हारी गुलाम बन करके रहे। मैं देख रहा हूं कि ये जहन से निकलता जा रहा है, हम लोग मुकर्रर आ गए सैयद साहब बड़े एहतराम करेंगे, और खतीब आ गए पीर साहब सैयद साहब ये तो एहतराम के लायक हैं, लेकिन नई जो ठेला ढकेल रहा हो अगर वो भी सैयद है तो जितना मुकर्रर काबिले ताजीम है उतना वो ठेला ढकेलने वाला सैयद भी काबिले ताजीम। और ये भी आपको याद रखना कि सिर्फ हाथ चूम कर सैयदों की जरूरत पूरी नहीं होती, उनकी गरीब बेटियों की शादियां, उन गरीब सादात के बच्चों की लिखाई पढ़ाई तालीम। अभी मैं तकरीबन 2-2.5 घंटा मोहसिन मिल्लत हजरत सैयदी पीर बापू के साथ बैठा था, तो बातें चल रही थी सादात की तालीम के बाद हजरत ने मुझे फरमाया कि मैंने कहा कि मैं पढ़ाऊंगा सैयदों के बच्चों को, लेकिन लोग जो वो लिल्ला रकम से मेरा ताउन तो करें, तो उन्होंने कहा सैयद साहब हैरत है कि किसी ने हाथ तक नहीं किया। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि जो मेरी अहले बैत की मदद करेगा कयामत के दिन ढूंढ कर उसकी शफात का। हाय 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 हाय, सब हुजूर को ढूंढते होंगे, सब हुजूर को, और हुजूर अलैहि सलाम उनको गोया के तलाश रहे होंगे कि जो अहले बैत की मदद करने वाले उनके लिए तगोदो करने वाले। तो एक सैयद साहब ने तो मुझे, आपके गुजरात के एक सैयद साहब ने कहा कि मैं मुंबई आया था, मैंने कहा कि शाह साहब कैसे आना हुआ, तो कहा कि मेरे भाई का ऑपरेशन, ऑपरेशन के लिए मुंबई आया था। मैं कहा फिर, तो बोले यहाँ कुछ मानने वाले रहते हैं हमारे गुजरात ही के, बड़े मालदार लोग हैं, तो मैंने सोचा कि वो कुछ मदद कर देंगे, तो मैं गया उनके
ऑफिस पर, तो मैंने कहा कि मेरे भाई का ऑपरेशन है, ऑपरेशन के लाया हूँ। अब बापू माशाल्लाह हाथ वाथ चुमा, चाय पिलाई और जाते हुए 500 रुपये पेश किया, कहा कि दुआ में याद रखना। ये सूरत हाल है मुसलमानों, सोचो अगर हम सादात को देते हैं तो क्या देते हैं? आपका हमारा क्या है? उन्हीं के नाना की खैरात। अपना क्या है? ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान का पता मिला उनके सदके, उनके नाना ही से तो सब कुछ मिला है। और हम इतने गैर गुजरे हो गए, सबके लिए दिल बड़े हैं, अगर दिल छोटे हैं तो अहले बैत के लिए। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर उम्र लंबी चाहते हो खैर के साथ तो मेरी अहले बैत की खिदमत करो। सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, कितनी लंबी उम्र कुदरत ने दी। उम्र सिर्फ उसका नाम नहीं है जब तक के सांसें चले। अरे ये जो जिक्र होता है ये भी तो उम्र है, ये भी तो जिंदगी है, महफिल में जिंदगी है। कोई महफिल खत्म नहीं होती जब तक उनका लोग जिक्र ना करें, जिक्र किया जाता है। ये क्यों है? इसलिए कि अहले बैत के साथ उन्होंने एहसान किया। वाह वाह वाह। और किस शान